नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा झटका, 15 साल में रिटायरमेंट होने पर नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सेना में अब जवानों को 15 साल की सर्विस होने पर, रिटायरमेंट होने पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्री मेच्योर रिटायरमेंट विदाउट पेंशन एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट विथ पेंशन, इसको लेकर दो नियम बनाए गए हैं कि किस प्रकार आपको पेंशन मिलेगी प्री मेच्योर रिटायरमेंट में। पहला है दोस्तों, प्री मेच्योर रिटायरमेंट में अगर आप 15 साल की सर्विस करते हैं तो इसके बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरा है दोस्तों, अगर आप 20 साल की सर्विस करते हैं इसके बाद में आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों, इसी को लेकर इनरोलमेंट फॉर्म में भी बदलाव किया जाएगा, यानी कि दोस्तों इसको भी रिवाइज किया जाएगा, यानी कि भर्ती होते समय आपसे विलिंग और अनविलिंग लिया जाएगा, जिसमें भर्ती होते समय आपसे प्री मेच्योर विथ पेंशन लेना है या प्री मेच्योर विथ विदाउट पेंशन लेना है। सेना का मानना है कि इससे जवान मॉरली स्ट्रांग होंगे, यानी कि दोस्तों 15 साल की सर्विस करने पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, अगर आप 20 साल सर्विस करते हैं तो आपको पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों, इन दोनों ही कंडीशन में आपको एक्स सर्विसमैन कहा जाएगा और आपको वो सब फैसिलिटी मिलेगी जो एक्स सर्विसमैन को मिलती है, जैसे कैंटीन, ECHS वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, चाहे आप 15 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले रहे हो या 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले रहे हो। और दोस्तों, अगर आप 15 साल की सर्विस के बाद में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो DSC के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर ये कन्वीनिंग ऑर्डर जारी किया गया है, सेना इस पे काम कर रही है और जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।